आज बकुल के बीजों से मिलते हैं, जिसके बहुत ही सुंदर और इतने अनगिनत फायदे हैं, सिर से लेकर पैर तक उसके बीज इकट्ठे करने का इस बार अवसर मुझे मिला। नहीं तो आसपास से तो जब मौका मिलता हम लोग इकट्ठे करते ही रहते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ, ये तकरीबन जो एक 10 दिन से मैं देख रही थी कि हाँ बहुत पक्षी खा खा के गिरा रहे हैं, तो लगभग एक मैंने कहा 2000 के आसपास ही ऊपर इकट्ठे हो गए बीज ये, जो सीड बॉल के काम आएंगे वगैरह। और वैसे देखा जाए तो इसके जो फूल हैं इतने सुंदर हैं, उसकी वेनी बनाते हैं, उसके फूलों को हम उबाल के जो रस रहता है उससे हम अपने दांतों का कुल्ला कर सकते हैं, तो जो कोई दांतों में दर्द है तो वो चला जाता है। दूसरे तरीके से ये है कि उसके फूलों को सुखा के चूर्ण बना लें और उसको हम दंत मंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई तकलीफ भी नहीं होगी किसी भी प्रकार नहीं की। नहीं और नहीं भी हो तो भी अगर नहीं हम नहीं करें तो दांतों में जो हमारे सफ़ेदी है वो बनी रहती है, थोड़ी सी उसके साथ में हल्की सी हल्दी मिला लें जरा सी, और थोड़ा हल्का सा नमक, सेंधा नमक, आपकी इच्छा है आप जिस तरीके से करना चाहें, लेकिन इसके फूलों का बहुत सुंदर उपयोग है ये। उसके अलावा जो इसकी छाल है उसको भी हम सुखा के ग्राइंड कर लें, और वो भी दांतों के लिए बहुत बिगाड़ उत्तम काम करती है। उसके अलावा इस मौसम में जो सर्दियों का अभी चल रहा है, तो जो बारीक काड़ियां हैं इसकी उसको पानी में भिगो के रख दें, और उससे भी हम हल्का हल्का दांतों को जो चबाते हैं जैसे नीम की काढ़ी से करते हैं, वो भी करिए, बहुत सुंदर चीज़ है।